नरसिंहपुर के गोटे गांव में ऑटो डील कारोबारी मनोज सेन से 1,70,000 रुपए की ठगी हो गई है, जिसकी शिकायत मनोज द्वारा थाना गोटे गांव एवं पुलिस अधीक्षक ऑफिस की साइबर सेल में की गई है। दरअसल ऑटो डील कारोबारी ने कुछ दिन पहले टाटा कैपिटल नाम की एक बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था। उसके कुछ दिन बाद अपने आप को बैंक कर्मी बताते हुए उनके पास कॉल आया कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, जो हम देने वाले हैं उसके लिए हमारे लोग आपके पास आएंगे, जिन्हें आप अपने दस्तावेज दे देना। यह उन्होंने मनोज से एक कैंसिल चेक और एक चेक 149 रुपए का जिससे प्रोसेसिंग फी बताकर लिया, जिसके बाद उसी दिन उन्हीं लोगों के द्वारा गोटेगांव के बस स्टैंड स्थित इंडियन बैंक से 2 चेकों के माध्यम से अलग अलग 1,70,000 रुपए निकाल लिए गए। अगले दिन जब कारोबारी मनोज ने अपना अकाउंट चेक किया तो बैंक जाकर जानकारी ली तो CCTV फुटेज चेक किए तो पता चला कि ये यही लोग थे जो लोन दिलाने के नाम पर फॉर्मेलिटी एवं चेक लेकर आए थे। इस पूरे घटनाक्रम से मनोज अब तक यह समझ चुका था कि उनके साथ बड़ा शातिराना ढंग से जो है ठगी हुई है, और लिहाजा इसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस थाना गोटेगांव एवं पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को दी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उनके द्वारा एक बीमा कंपनी के किसी एजेंट को एक चेक दिया था कैंसल्ड, और इनका कहना है कि वो कैंसल्ड चेक जो है उन्होंने कुछ उसमें चेंज करके बैंक में लगा दिया और इनकी राशि करीब 1,70,000 रुपये निकाल ली है। इस संबंध में अभी इन्होंने बताया है तो हम लोग साइबर से और अन्य जो थाने हैं उस संबंध से हम लोग जांच इसकी करवा लेते हैं और शीघ्र इसमें कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें साक्ष्यात हैं उसके आधार पर। क्या लग रहा है सर, वो मैजिक पेन वगैरह यूज़ किया होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कैंसिल है, चेक दिया था। देखिए अभी मैंने चेक देखा नहीं है तो अभी मैं इस संबंध में नहीं बता सकता हूँ, बट शीघ्र ही हम वहाँ बैंक से चेक निकलवा लेंगे और उसके बाद इसमें कार्रवाई करेंगे। क्या आपके साथ फॉर्जरी हुई, क्या शिकायत आपने करी है? मैंने इस संबंध में माननीय महोदय से शिकायत की है कि मेरे साथ में अभी टाटा कैपिटल कंपनी के कुछ लोगों द्वारा फॉर्जरी की गई है, जिसमें मैंने उन्हें 15 तारीख को 2 चेक दिए थे फॉर्मेलिटी के लिए। एक प्रोसेसिंग फीस के लिए 149 रुपये का चेक दिया था और एक कैंसिल चेक दिया था उनको। तो जब मैंने अपने बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस देखा तो उसमें पता चला कि मेरे बैंक अकाउंट से 98,000 रुपये की राशि और 72,000 रुपये की राशि किसी शुभांशु केसरवानी के नाम पर निकाल